बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार सर, दर्शकों को भी बहुत नमस्कार सर, दर्शकों को भी नमस्कार जी। मनीष जी। पहला सवाल तो ये है कि हो क्या रहा है? मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जिस केस में अंदर हैं, जिनको जमानत नहीं मिल रही है, इसका मतलब पुख्ता एविडेंस तो है और मास्टरमाइंड भी अरविंद केजरीवाल को ही माना जा रहा है, वही मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के इशारे पर ये सब कुछ हुआ होगा, उन्होंने फैसला लिया है, तब नई आबकारी नीति बनी है, ऐसे तो बन नहीं गई। सवाल ये है कि तीन तीन समन जाते हैं, अरविंद केजरीवाल भाव नहीं दे रहे, सात समन हेमंत सोरेन को जाते हैं, वो रद्दी की टोकरी में फेंके जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में एक राशन घोटाला हुआ, उसमें एक मंत्री अंदर है ऑलरेडी, उसका बहुत करीबी, जब उसके यहाँ रेड डालने के लिए ईडी जाती है तो ईडी के अधिकारियों को पीट दिया जाता है, उनकी गाड़ियों को तोड़ दिया जाता है, सेंट्रल फोर्सेस पर भी अटैक होता है। ये हो क्या रहा है? थोड़ा सा ये समझाने की कोशिश करिए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल सर, अरविंद केजरीवाल को निश्चित रूप से सब कुछ पता है कि मास्टरमाइंड इस मामले में वही है। वो धरती के सबसे ईमानदार बताते रहे सिसोदिया को कि मनीष सिसोदिया धरती के सबसे ईमानदार शिक्षा मंत्री हैं, और दरअसल वो शराब माफिया निकले। उसके बाद जिस संजय सिंह के लिए वो कहते थे कि ईडी को पैंट गीले हो जाते हैं, वो संजय सिंह की क्या गत हो रही है वो देश देख रहा है। मनीष सिसोदिया की ना सिर्फ जमानत अर्जी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी, सिसोदिया की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी। इसका मतलब है कि सिसोदिया तब तक अब बाहर नहीं आ पाएंगे जब तक इस मामले में फाइनल फैसला नहीं हो जाता, और यदि फैसले में सजा होती है तो सिसोदिया सजा जब तक नहीं काट लेते, सिसोदिया का बाहर आना अब लगभग असंभव है। संजय सिंह की वही गत है, क्योंकि संजय सिंह को तो अब ईडी ने कह दिया कि सिसोदिया से बड़ा मास्टरमाइंड है, तो केजरी को उससे भी बड़ा मास्टरमाइंड बताया जाना है, क्योंकि सब कुछ सुप्रीम कोर्ट में जो मैटर आया उसमें यह आया कि ये पूरी पार्टी की भूमिका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने आम आदमी पार्टी को पार्टी क्यों नहीं बनाया है, सॉलिसिटर जनरल ने इसमें जवाब दिया था कि हम इसमें काम कर रहे हैं। तो ये पार्टी मतलब आम आदमी पार्टी का इसमें एक्यूज बनाने का मतलब साफ है कि इसमें केजरीवाल चूंकि संयोजक हैं तो अंदर जाएंगे। केजरीवाल को पता है कि उन्हें कोई बचा नहीं सकता, केजरीवाल की उत्पत्ति पूरी नौटंकी से हुई हुई है। तो मुझे ये लगता है कि जब मैं इस पे अपने समझने की कोशिश करता हूं तो मुझे लगता है कि इस समय कॉमन जो एक व्यक्ति है वो है कपिल सिब्बल। सिब्बल हेमंत सोरेन के वकील, सिब्बल लालू यादव के वकील, सिब्बल इससे पहले भले ही इनके वकील जो हैं केजरी गैंग के पूरी तरह से अभिषेक मनु सिंघवी रहे हों, लेकिन सिब्बल ही केजरीवाल के वकील आगे समय में होंगे ये तय है। क्योंकि जिस तरह से गलबहियां पिछले दिनों सिब्बल के साथ किए, जिस सिब्बल को उन्होंने पता नहीं क्या क्या कहा था, आपने देखा होगा रामलीला मैदान में उन्हें गेस्ट बनाया था। अब चूंकि सिब्बल अलग अलग पार्टियों से राज्यसभा जाते रहे हैं, हर किसी को पता है कि हेमंत सोरेन के लिए वो क्या कर रहे हैं, मुझे लगता है सिब्बल एक भरोसा है सुप्रीम कोर्ट से कि सिब्बल यदि हैं तो सुप्रीम कोर्ट में वो जमानत दिला सकते हैं। सिब्बल भले ही केस नहीं जितवाते हों, केस जिताने का उनका रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन वो जमानत दिलाने के मास्टर रहे हैं। तिस्ता सी तलवार को किस तरह से जमानत मिला ये सबको पता है, और सिब्बल इसकी गारंटी है कि सुप्रीम कोर्ट में उनका एक अपना एक अब उसको रॉब कहा जाए या पता नहीं सेटिंग कहा जाए, वो अपने अपने समझने की बात है। ये कॉमन मुझे सिब्बल नजर आते हैं, तो मुझे लगता है सिब्बल ने समझा दिया होगा, देखो बेटा जेल तो तुम लोग जाओगे, ईडी से हमने ये काम करवा लिया, सुप्रीम कोर्ट से एक ऑर्डर तो दिलवा ही लिया है कि ईडी वारंट का मतलब ये नहीं है कि उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट ये बहुत निराशाजनक है, और इस जजमेंट ने ही इन सफेद पोशों को एक रास्ता दे दिया है। और इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं कि ये जितने वकील हैं ये पावरफुल वकील सुप्रीम कोर्ट में, अक्सर ये कहता हूं सर कि एक ही मामला में लोअर कोर्ट सजा देता है, सुप्रीम कोर्ट उसमें फांसी दे देता है। आईपीसी की धाराएं वही, एक्यूज वही, घटना वही, ऐसा कैसे होता है? कई बार लोअर कोर्ट जिसमें बरी कर देता है उसमें सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट फांसी दे देता है। प्रियदर्शनी मट्टू केस इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। उसके बाद जेसिका लाल मर्डर केस इसका उदाहरण है, दोनों मामले में लोअर कोर्ट ने बरी कर दिया था, हाई कोर्ट ने दोनों में जाकर फांसी दे दिया, सुप्रीम कोर्ट से जाकर यह उम्र कैद में बदल गया। तो खेल समझ में नहीं आता है कि होता कैसे है ये। किसी ने मैं कहता हूं कि ये इस देश में दलीलों की अदालत चलती है,
वकील के पास जितने मजबूत दलील हैं, वकील जितना पावरफुल होता है वो काम उतना आसानी से करा लेता है। मुझे अब तक इस समझ में नहीं आता कि इस देश के विद्वान जजों ने यह कैसे जजमेंट दे दिया कि ईडी के वारंट का मतलब यह नहीं है कि आप उसको गिरफ्तार कर लेंगे यदि कोई वारंट पर पेश नहीं होता है। तो आज संजय, आज केजरीवाल पेश नहीं हो रहे हैं, हेमंत सोरेन पेश नहीं हो रहे हैं, लालू यादव का बेटा नहीं पेश हो रहा, लालू यादव नहीं पेश हो रहे, कल को आम आदमी पेश नहीं हो रहेगा, कल को उसके दो कदम आगे ममता बनर्जी ने उदाहरण दे दिया कि नहीं उसका पिटाई भी की जा सकती है। ना सिर्फ ईडी के एक वारंट को ठेंगा दिखा दीजिए बल्कि ईडी के अधिकारियों की जमकर पिटाई भी कीजिए ताकि ईडी का हमारे और आपके बीच के दूर होते हैं। ईडी और सीबीआई में कौन काम करता है, हमारे आपके बीच के लोग, उनके अंदर इतना खौफ और तेजस्वी यादव ने खौफ दिखाया भी था, कहा था कि तुम भी यही रहते हो, इसी बिहार में रहते हो, तुम्हारे बीवी बच्चे यही रहते, मतलब चेतावनी दी थी कि उठवा लिया जाएगा तुम्हें। तो ईडी इस मामले में सुप्रीम सीबीआई के अधिकारी को, ये वो ईडी को धमकी नहीं थी, वो सीबीआई को धमकी थी। सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने तेजस्वी यादव को फटकार लगाया था, बोला था आगे से हरकत करोगे तो अरेस्ट कर लिए जाओगे, उसके बाद से वो शांत है। लेकिन ममता बनर्जी को ये धमकी नहीं मिली थी तो ममता बनर्जी ने ईडी के अधिकारियों के हाथ सर वर फोड़ करके खून बहा करके ये दिखा दिया कि छूने की कोशिश मत करना। अब इस देश की सुप्रीम अदालत को सोचना चाहिए, करना चाहिए कि ये जो कवच दिया गया है अपराधियों को कि यदि ईडी गिरफ्तार नहीं कर सकती है तो कोई भी वारंट पर पेश नहीं होगा, मतलब तो ये मुझे लगता है लूपहोल वहां से शुरू है। लेकिन मैं हमेशा एक और बात कहता हूं कि इस देश की सुप्रीम कोर्ट को वही करना होगा जो इस देश की जनता का मिजाज है। बदले बीते दिनों में आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले यदि देखेंगे तो बहुत कुछ बदलाव नजर आ रहा है। केजरीवाल कितनी बार वारंट का की अवहेलना करेंगे, कितनी बार करेंगे तेजस्वी यादव, उन्हें आज न कल उन्हें गिरफ्तार होना है। और जिस ढंग से इस देश की सरकार ने इस देश की जनता से वायदा किया है, ये सरकार इसी भरोसे पे आई है कि भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं। और मोदी यदि कहते हैं कि मोदी का मतलब है गारंटी, गारंटी पूरे होने की गारंटी, तो ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो गारंटी पूरा करें, क्योंकि इस देश की सुप्रीम कोर्ट भी जनता के प्रति जिम्मेदार है, इस देश की सरकार इस जनता के प्रति जिम्मेदार है। और भ्रष्टाचार और बेईमानों के लिए सुप्रीम कोर्ट के प्रति हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, हमें सुप्रीम कोर्ट के जज हम नहीं चुनते, हम सरकार चुनते हैं। और हमने सरकार इसीलिए चुना है कि बेईमान और भ्रष्ट नेताओं को अंदर किया जाए, और ये सरकार वो कर रही है। यदि ये बाधा रे सुप्रीम कोर्ट पैदा कर रही है, मेरा यही मानना है कि सब वरना देखिए यही कपिल, यदि ईडी के समन का वारंट आप नहीं कर सकते तो संजय सिंह क्यों पेश हुआ, संजय सिंह भी वाद नहीं पेश होता, सिसोदिया क्यों पेश हुआ, सिसोदिया नहीं पेश होता, इससे पहले लालू यादव और लालू यादव के बेटे क्यों पेश हुए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का तब तक जजमेंट नहीं आया हुआ था। जब से सुप्रीम कोर्ट का यह जजमेंट आया है तब से यह खेल शुरू हुआ है, इन सबको लग गया है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। मुझे लगता है एक बार सरकार को हिम्मत दिखाना चाहिए। मैं सरकार इसलिए कहता हूं, मैं खुल करके कहता हूं कि ईडी और सीबीआई यदि ये काम करती है तो निश्चित रूप से, कोई लोग कहते हैं यदि ना कि सरकार के दबाव में करती, बिल्कुल करती है, और ईडी और सीबीआई सरकार के दबाव में ही काम करेगी, करना भी चाहिए, क्योंकि सरकार इसीलिए चुनी जाती है कि आप ये काम जांच एजेंसी ये काम कराएगी, और सबसे महत्वपूर्ण इस देश की पार्लियामेंट है। और इसीलिए मेरा मानना है कि ईडी और सीबीआई, वरना ऐसा क्या था कि किसी उत्तर प्रदेश में किसी को सजा नहीं होती थी, सरकार बदली है पिछले 10 साल में, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद समेत तमाम लोग अंदर हैं, क्यों अंदर हैं, इसका मतलब सरकार रिस्पॉन्सिबल है, सरकार का यदि इंटेंशन है तो वो होगा। बीजेपी शासित ही कई राज्य हैं, लेकिन जो काम उत्तर प्रदेश में होता है वो बीजेपी के दूसरे राज्यों में नहीं होता, इसका ये चीजें हैं। और मुझे लगता है जो डिटर्मिनेशन प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाया है, ये लोग कितने दिनों तक भागेंगे सर, बहुत जल्द इन सब ये सब सलाखों के पीछे होंगे, क्योंकि जांच एजेंसी के पास सबूत पुख्ता है। ईडी ने यदि अरविंद केजरीवाल को वारंट जारी किया है, इसका मतलब है कि ईडी के पास पर्याप्त सबूत हैं, वरना केजरी को ऐसे वारंट नहीं जारी होगा। मनीष जी, कल सतीश जी भी मेरे चैनल पर थे और हम लोग इसी पर डिस्कशन कर रहे थे जो बंगाल में हुआ, और उनका कहना यह था कि आखिर 356 क्यों बनाई गई थी, या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो पावर्स हैं वो उनको कब प्रदर्शित करेगी और क्यों डिले कर रही है। सवाल तो खड़े होंगे ना, अभी आपने उत्तर प्रदेश का जिक्र किया है, योगी आदित्यनाथ के बारे में अब लोगों ने क्यों मांग करनी शुरू कर दी है कि जो योगी आदित्यनाथ मिनटों में बुलडोजर भेज करके और कुछ ही घंटों में एक ठीक ठाक घर को तहस नहस करवा देते हैं और सबक सिखा देते हैं, और उसके बाद उस तरह की कोई घटना दोबारा नहीं होती है,
मैं ये नहीं कह रहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही काम करें, लेकिन जब सीबीआई हो, ईडी हो, आईटी हो, जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट से गवर्न होते हैं, निर्देशित होते हैं, तो फिर ऑप्शन तो और भी है ना। शीश महल में जाकर के क्यों नहीं उठा लेते हैं, क्यों नहीं गिरफ्तार कर लेते हैं, क्यों नहीं अदालत में पेश करते? सब कुछ आपके पास है, सब कुछ आपके हाथ में है। तो ये जो एक विल पावर होनी चाहिए और एक संदेश भी देना होता है, केवल विल पावर की बात नहीं है, एक संदेश दें कि अगर आप लगातार बहानेबाजी करेंगे और समन को ही अवैध बताने का दुस्साहस करेंगे तो फिर रास्ते दूसरे भी हैं। बिल्कुल, रास्ते दूसरे हैं और उस रास्ते पे भी मुझे पूरा भरोसा है, उस रास्ते पे सरकार जरूर आएगी। और थोड़ा सा जो मुझे लगता है कि मोदी स्टाइल पॉलिटिक्स और योगी स्टाइल पॉलिटिक्स में अंतर है, मैं ये नहीं कहता कि किस स्टाइल का बेहतर है, लेकिन मुझे लगता है कि मोदी भगा करके थकाते हैं, ये उनकी स्ट्रेटजी है। ऐसा मुझे लगता है कि पूरी तरह से मोदी चरित्र हनन उनका करवा देते हैं, खुद से जनता की नजरों में गिरवा देते हैं। यूं ही नहीं, मैं अभी अक्सर कहता हूं सर जी, इस देश में कांग्रेस की सरकार थी और हमारे परिवार में भी इससे पहले, हमारी पीढ़ी से पहले लोग कांग्रेस को ही वोट करते थे, तो तय सी बात है यदि प्रचंड बहुमत से कांग्रेस जीतती थी तो हमारे और आपके बीच के लोग ही तो उसको वोट करते थे। ये धीरे धीरे जो चीजें हुई हैं कि जैसे राम मंदिर से आप देखिए कि कैसे नैरेटिव चेंज हो रहा है कि बड़े पैमाने पर मुस्लिम लोग आ रहे हैं, भजन गा रहे हैं, वो राम रथ यात्रा में शामिल हो रहे हैं, इस देश में एक ट्रेमेंडस चेंज हो रहा है। और मुझे लगता है कि कई चीजें जो लठ के बदले भी होती है और मोदी थोड़ा उस तरफ भी अब जा रहे हैं, बहुत कुछ स्टाइल है जो एक प्रधानमंत्री के रूप में होकर जो एक मजबूरी होती है, एक वो भी वजह होगी। और जो मैं लाइन ले रहा हूं कि देखिए सर, ईडी वाला जो सुप्रीम कोर्ट वाला मैटर है, जैसे उन्होंने संसद में कहा था कि आप तो जानते ही हैं कि इस देश की अदालतों में क्या चल रहा है, तो दरअसल वो आम जनता को बताते हैं कि अदालत ने हमारे हाथ पैर कैसे बांध रखे हैं। लेकिन उसके बाद भी यदि उन्होंने संसद में कुछ कानून सुप्रीम कोर्ट के कई आदेशों को उठाकर डस्टबिन में डाला है, चाहे वो केजरी के ट्रांसफर पोस्टिंग के खेत धंधा का हो, चाहे वो आईपीसी सीआरपीसी में बदलाव का हो, चाहे वो जो सुप्रीम कोर्ट चाहता था कि भाई हम इलेक्शन कमीशन भी नियुक्ति में हम ही शामिल रहेंगे हर चीज में, मतलब वो तुम कोलेजियम भी वही बनाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने, सरकार ने नहीं माना। सरकार यदि चाह लेगी तो सरकार उनके कोलेजियम को भी ध्वस्त कर देगी। लेकिन मुझे लगता है कि इस देश में जो एक खिलंदर गैंग है, एक खलियर खैरातियों का जो गैंग है, जो सालों से नैरेटिव पैदा करते रहे हैं, पत्रकार का मतलब वही 4-8-10 चिरकुट हुआ करते थे, आज सब खलियर हैं, आज सब मैदान पे, आज सब चीन के उस फंडिंग पे जी रहे हैं, चीनी दलाली पे जी रहे हैं, ये सब के सब खाली हैं। आज देखिए तो एक समय में पत्रकार वही 5-6 जो आजकल खलियर है वही सब पत्रकार होते थे। हमारे और आपको तो बस सिर्फ हम लोग बस ऐसा लगता था कि हम लोग चलो पत्रकारिता के पेशे में नौकरी कर रहे हैं, दुनिया भर में पत्रकार का मतलब वही 8-10 लोग होते थे, आज वो सब खलियर है, नैरेटिव पैदा कर रहे हैं, वही जो नैरेटिव पैदा करते रहे हैं वही जनता समझती रही है। मुझे लगता है कि एक चीजें जो है, जो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि 356 वाला मामला जो है वो इस कंडीशन में सरकार को, कई बार मैं महाराष्ट्र वाले मुद्दे पे भी मेरे व्यूअर्स अक्सर कहा करते थे कि आप बहुत आशावादी हैं, महाराष्ट्र में तो सरकार को 356 लगाना चाहिए। मैं थोड़ा सा 356 में भी थोड़ा सा मैं डिफर करता हूं कि देखिए डेमोक्रेटिक ढंग से चुनी हुई सरकार है बंगाल की, प्रचंड बहुमत से बंगालियों ने जिताया है ममता बनर्जी को, सिर्फ मुसलमानों ने नहीं जिताया है, मैं इसलिए दिल्ली की जनता ने प्रचंड बहुमत से अरविंद केजरीवाल को जितवाया है, तो आप उस प्रचंड बहुमत की अवहेलना नहीं कर सकते। ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है सर कि प्रचंड बहुमत से इस डेमोक्रेसी में यदि आप किसी को जितवाते हैं तो हो सकता है कि कल आपकी भी, मोदी की सरकार भी प्रचंड बहुमत से चुनी हुई सुप्रीम कोर्ट हटा दे। मेरा मानना है कि इसमें जो सरकार काम कर रही, खास करके जो उत्तराखंड में जो हुआ उसके बाद से जो चीजें हो रही है, धीरे धीरे देखिएगा कि जो आप पिछले दिनों जो आप ममता बनर्जी आई थी अपनी टीम के साथ प्रधानमंत्री से मिलने, उसमें पीएमओ के द्वारा एक तस्वीर जारी की गई थी, मैंने अपने शो में उसे दिखाया था, वो बॉडी लैंग्वेज बताता है कि ममता बनर्जी का बंद कमरे में प्रधानमंत्री ने क्या हाल किया। वो तस्वीर पीएमओ ने क्यों जारी किया, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से क्यों जारी हुआ वो? उसमें ये कहा गया कि वो जो बदतमीज सांसद जो ममता बनर्जी का था, जिसने उपराष्ट्रपति जी का मजाक उड़ाया था, उस बदतमीज सांसद को नहीं लाना है तो नहीं ले जाया गया। तो मुझे लगता है थोड़ा सा सब्र करने की जरूरत है और इन सब का
इन सब का नैतिक पतन हो रहा है। इस देश में डेमोक्रेसी के हिसाब से विपक्ष का होना बहुत जरूरी है और मुझे लगता है कि विपक्ष हो, दुर्भाग्य है कि विपक्ष अपना वजूद खत्म करना चाह रही है। इस डेमोक्रेसी के लिए विपक्ष का होना जरूरी है, लेकिन जिस तरह से ममता बनर्जी को अभी तक सांप सूंघा हुआ है, कल की घटना पे ममता बनर्जी की चुप्पी है, वो बहुत निराशाजनक है। उन्हें बताया जाना चाहिए, बताना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। और सुप्रीम कोर्ट को भी, जो सुप्रीम कोर्ट बड़ा कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और सलमान खुर्शीद की अर्जियों पे तुरंत स्वतः संज्ञान ले लेती है मणिपुर के मामले में, क्या उसे दिखाई नहीं देता है? ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है। लेकिन जब देश की जनता का गुस्सा है और वो अब ये चाहता है कि अरविंद केजरीवाल को शीश माल से खींच कर लाया जाए, तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री हर चीजों में वो देश की जनता का मिजाज का कई बार वो टेस्ट करते रहते हैं, और जब वो चीजें होती है तो वो कर रहे होते हैं। और जो डिटर्मिनेशन है, मैं मेरा मानना है कि बहुत दिन नहीं लगेगा, और हम और आप, मुझे लगता है कि मेरे जैसे तमाम व्यूअर्स उस दिन ज्यादा खुश होंगे जिस दिन शीश महल से केजरीवाल को खींच कर लाया जाएगा, ठीक उसी ढंग से जैसे पी चिदम्बरम को लाया गया था। मुझे याद है मैं उस समय में कांग्रेस बीट की रिपोर्टिंग कर रहा था, चिदम्बरम के घर, कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस से चिदम्बरम के घर पहुंचा था। इस देश के गृह मंत्री का जब ऐसी गत की जा सकती है तो केजरीवाल, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव बहुत बौने हैं सर। मुझे याद है किस तरह से फांद की कोर्ट के दीवार फांद करके चिदंबरम के घर में घुसी थी सीबीआई, और घसीट करके, जैसे जैसे कहते हैं ना कि दो दो कौड़ी के चिरकुटों को घसीटा जाता है, वैसे चिदंबरम को घसीट कर लेकर आई थी। तो जो सरकार ये काम चिदंबरम के साथ कर सकती है तो केजरी तो बहुत बौना है सर, बहुत बौना। ये बताइए, आपने जो कुछ कहा है उससे पूरी तरीके से सहमति दर्ज कराते हुए जताते हुए, कहीं नरेंद्र मोदी इनको पूरी तरीके से एक्सपोज तो नहीं होने का मौका दे रहे हैं कि जनता ये तय कर ले कि 2024 में वो एक बहुत ही जवाबदेह, जिम्मेदार, अनुशासित, समर्पित और राष्ट्र के प्रति ही अपना पूरा समय देने वाले को चुने, या पार्लियामेंट को बाधित करने वाले, हर सेशन को चौपट करने वाले, नित नए षड्यंत्र रचने वाले, कानून के राज को चुनौती देने वाले, जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं वो बेहद गैर जिम्मेदाराना लोग, उनको चुने या फिर नरेंद्र मोदी को चुने? क्योंकि आपने देखा ही होगा लगभग हर पार्लियामेंट सेशन से पहले कुछ ना कुछ शिगुफा छोड़ा जाता है, कभी विदेश से, कभी देश के भीतर से, पूरे सेशन को बर्बाद किया जाता है, अराजकता का माहौल पैदा किया जाता है, सम्मान का सम्मान नहीं किया जाता, सेंट्रल फोर्सेस का, सेंट्रल एजेंसीज का सम्मान नहीं किया जा रहा है। तो स्पष्ट है पब्लिक के सामने कि आप कैसे लोगों को चुनेंगे देश चलाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप सटीक कह रहे हैं सर। प्रधानमंत्री, मुझे लगता है, देखिए कि आपका तो लंबा अनुभव है सर हमसे, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी सिर्फ सरकार नहीं चला रहे हैं, इस देश की सोच को बदल रहे हैं। वो सिर्फ एक शासक के रूप में नहीं है, बहुत वरना ये जरूरी नहीं है कि वो सफाई अभियान, एक प्रधानमंत्री होकर के शौचालय की बात करता हो, एक प्रधानमंत्री होकर सफाई की बात करता हो, प्रधानमंत्री होकर के वो अभी देखिए जब 10th और 12th के बच्चों का जो एग्जाम होना है उसमें एग्जाम वॉरियर्स के रूप में वो आएंगे, तो वो सिर्फ सरकार नहीं चला रहे हैं, वो मेरा मानना है कि वो पूरे भारत की सोच को बदल रहे हैं। और यही कारण है कि आप यदि दुनिया में आज, आप कल ही देखिए कि सोमालिया की क्या गत की गई है, जो सोमालिया की गत अमेरिका नहीं कर पाता था। आप देखिए कि लक्षद्वीप वाले मामले में क्या मैसेज प्रधानमंत्री ने दिया है। कांग्रेस और मुझे लगता है खलिहर खैराती गए हैं, ये समझ रहा है कि वहां टूरिज्म के लिए प्रधानमंत्री गए हैं। वहां प्रधानमंत्री ने एक बिग मैसेज चीन को दिया और मालदीव को दे दिया कि औकात में रहो, हम अपनी जमीन पर अपना पर्यटन भी बढ़ाएंगे और तुम्हें समझा भी देंगे कि ये इलाका, तो बहुत कुछ है कि वो दूसरे स्टाइल में कई मोर्चों पे काम कर रहे हैं। जब हम और आप सोचते हैं तो मुझे बहुत सारे बंगाली, मेरे व्यूवर्स जो बंगाल से हैं, वो बहुत पैमाने पर फोन कर रहे हैं मुझे, कई मेरा व्हाट्सएप भर गया है उससे कि किस एंगल पे कीजिए, बंगाल में ऐसा हो रहा है। मैं बंगाल की, जब आप सिर्फ बंगाल की नजर से सोचेंगे तो बिल्कुल सचमुच ये कि बंगाल में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं किसी बंगाल ने तो चुना है ममता बनर्जी को ना प्रचंड बहुमत से, जीरो, कांग्रेस को जीरो, उस वामपंथी पार्टी को जीरो, इस बंगाल ने चुना, और सिर्फ मुसलमानों ने नहीं चुना है। मेरा कहना यह है यदि एक गुस्सा आता है, इस देश में सरकार का होना बहुत जरूरी है, आप सरकार में रहेंगे तभी कुछ कर पाएंगे।
मध्य प्रदेश में कुछ परसेंट लोगों ने नोटा दबा दिया, तो देखिए किस कमलनाथ की सरकार बनी। और कमलनाथ की सरकार बनते ही, मैं बार बार मैंने अपने शो में कहा है, जो ही कमलनाथ की सरकार बनी मध्य प्रदेश में कपिल सिब्बल की बीबी और दिग्विजय सिंह की बीबी ने दो टेलीविजन चैनल लाए खैरातियों को पालने के लिए। और इस पे चवन्नी भी ना दिग्विजय सिंह राजा है ना उसने एक पैसा खर्चा किया, ना करोड़ों के साम्राज्य वाले कपिल सिब्बल ने एक पैसा खर्च किया। दोनों के चैनल चल रहे थे इस उम्मीद में कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राजस्थान में अपनी सरकार आ गई है, केंद्र में आ जाएगी, तुम सब खैरात पे पाले जाओगे। लेकिन मध्य प्रदेश में भी सरकार गिर गई, केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार फिर से वापस आई, दोनों चैनल बंद हो गए। दोनों की सर इतनी औकात जरूर है आज की तारीख में कि दोनों चैनल चला सकते थे, लेकिन बनियों ने, बनियों को सिर्फ सीधा संबंध लाभ हानि से है, उसने पैसा लगाया है इसी उम्मीद में लगाया था कि सरकार कांग्रेस की आएगी तो लूट खसोट कर सकेंगे। उन्हें लगा कि सरकार मध्य प्रदेश में भी चली गई, केंद्र में भी नहीं है, कि तो लूट खसोट भी हमें करने नहीं देंगे, इनकी कोई औकात ही नहीं है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि यदि मान लीजिए प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार है, जिन लोगों ने नरेंद्र मोदी को केंद्र में चुना है उन्हीं वोटरों ने तो अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में सपोर्ट किया है, ये तो साफ है। 7 के 7 लोकसभा सीट बीजेपी को मिल जाता है और पूरी प्रचंड बहुमत जो है अरविंद केजरीवाल को मिल जाता है। तो यदि उस जनता जो बीजेपी को लोकसभा में वोट करती है, जो विधानसभा में केजरीवाल को वोट करती है, उसी को ये गुस्सा आ गया, कह रहे सचमुच केजरीवाल को फंसाया जा रहा है और केजरीवाल बहुत धूर्त है, केजरीवाल से बड़ा धूर्त कोई नहीं है। लालू या नीतीश कुमार शातिर हो सकते हैं, चालाक हो सकते हैं, लेकिन केजरीवाल से बड़ा धूर्त नीतीश नहीं हो सकते। वो इतनी धूर्तता में ऐसा नैरेटिव पैदा कर देंगे, ऐसा विक्टिम कार्ड खेल देंगे कि आपका 7 का जो लोकसभा सीट है वो कम हो जाएगा। बिहार में आप ऑलरेडी नीतीश जमा करके कम कर चुके हैं और यही खैराती गैंग चाह रहा है। उसमें मान लीजिए सरकार यदि किसी भी तरीके से पूर्ण बहुमत नहीं पाती है तो सब फिर आप जो इतना सपना देखे हुए हैं वो कुछ भी नहीं पूरा हो पाएगा। तो मुझे लगता है, मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत उतावला नहीं होता हूं कि ऐसे करना चाहिए, मुझे लगता है बड़ी स्ट्रेटजी के साथ मोदी खेल रहे हैं। मोदी चूंकि बहुत स्ट्रेटजी के साथ चलते हैं, 24 घंटे वो मतलब वो उसी मिजाज में होते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि इन सबको पूरी तरह से खत्म कर देना चाहते हैं, पॉलिटिकली डेड। अब देखिए वो जिस शिवसेना की, वो महाराष्ट्र की पहचान शिवसेना थी, भले तो उसकी मुंबई तक हो, उसको पॉलिटिकली डेड कर दिया शिवसेना को। लालू यादव जैसे लोगों को पॉलिटिकली डेड किया जा रहा है और जरूरी यह है कि ममता बनर्जी जैसी नेता को भी पॉलिटिकली डेड किया जाए, इस देश में एक नैरेटिव पैदा किया जाए कि राजनीति ऐसे नहीं चलेगी, राजनीति सिर्फ जातिवाद पे नहीं चलेगी, राजनीति सिर्फ बेईमानी से खैरात पर नहीं चलेगी। आपका हमारा ओंकार चौधरी जी का व्यक्तिगत हित सद रहा है, मनीष ठाकुर का व्यक्तिगत हित सद रहा है, हम वोट वहीं दें। यदि इस देश में ये नैरेटिव यदि धीरे धीरे बन रहा है कि देश का हित किसमें है, वरना मुझे नहीं लगता कि मोदी को सपोर्ट करने वाले जो लोग हैं वो व्यक्तिगत स्वार्थ से करते हैं, किसी का व्यक्तिगत कोई स्वार्थ नहीं है। यही मोदी की ताकत है कि मोदी को वोट, कांग्रेस को वोट करने वाले, क्षत्रिय छत्रपों को वोट करने वाले का व्यक्तिगत स्वार्थ है कि मेरी जाति होगी, मेरा आदमी सेट हो जाएगा। मुझे कई पत्रकार मिलते हैं जो कांग्रेस कवर करने वाले कि मनीष यदि कांग्रेस जीत जाएगी तो हम लोग सब सेट हो जाएंगे। ये व्यक्तिगत मुझे कई साथी मुझसे कहते हैं, मैं जब कांग्रेस बीट कवर करता था वो विचारधारा से नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं कांग्रेस यदि आ जाएगी तो हम सब सेट हो जाएंगे। तो ये सेट होने की जो मानसिकता है ना वो खत्म होना बहुत जरूरी है, और मुझे इसीलिए लगता है कि इन सबको पॉलिटिकली मोदी डेड करना चाहते हैं, और इसीलिए वरना कुछ भी नहीं, अरविंद केजरीवाल को 2 मिनट में उठा करके ईडी ले जाएगी और भगवाते रहेंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। कुछ जितनी ताकत नरेंद्र मोदी की है या सरकार के अमित शाह का जो मिजाज है उसमें कुछ कर नहीं पाएंगे। 10 साल में इन सबको, बहुतों को खत्म कर दिया गया है। तो मेरा मानना यह है कि इस सबसे गलती ज्यादा से ज्यादा करवाया जा रहा है। जो केजरीवाल कहते थे सोनिया गांधी को अरेस्ट क्यों नहीं करते हो, ईडी किस लिए रखा है, सीबीआई किस लिए रखा है, इन सबको बंद कर दो, आज वही केजरीवाल क्या कर रहे हैं, तो जनता देख रही है कि केजरीवाल क्या कर रहे हैं। मनीष जी ये बताइए कि बस खरीद घोटाला, स्कूल में कमरे बनने के मामले में घोटाला, एडवर्टाइजमेंट में घोटाला, दारू में घोटाला, दवा में घोटाला, और अब एक नया घोटाला आ गया, टेस्ट घोटाला भी आ गया। मतलब जहां पे देखो वहीं घोटाले। जिस मोहल्ला क्लिनिक की ये लंबी चौड़ी बातें करते थे उन्हीं मोहल्ला क्लिनिकों के जरिए, मरीज भी नहीं है,
डॉक्टर भी नहीं है, और जो बिल हैं वो असली बनाए गए, और एक एक फोन नंबर पर कितने कितने पेशेंट के जो है नाम दिखा दिए गए। इससे बड़ी घोटालेबाज सरकार कोई आपको कोई अब तक दिखाई देती है क्या हिंदुस्तान की? और इनका हश्र क्या होने वाला है अल्टीमेटली? आखिर कोई भाग भी कितना सकता है कानून से? बिल्कुल, कितना भाग जाएगा, कोई कितना भाग जाएगा जब आपके पास पूरे साक्ष्य हैं। और सवाल यह है कि मैंने तो चूंकि बहुत नजदीक से सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग की है, मुझे याद है कि इसी मनीष सिसोदिया के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जब अभिषेक मनु सिंघवी ने सिसोदिया की पत्नी की बीमारी के लिए बताया, तो ऐसा लगा कि अभी तुरंत जो है मिलोन डॉक्टर भी बन जाएंगे, सिसोदिया की बीवी को लेकर के खुद ही इलाज करने लगेगा। हाँ नहीं नहीं नहीं, बहुत गंभीर बीमारी है, आपको ऐसे नहीं ऐसे याचिका दाखिल करनी चाहिए थी। उस दिन मुझे लगा सिसोदिया को जमानत हो जाएगी, लेकिन कुछ तो ऐसी बात रही होगी कि वो मिलोट जो बीमारी एक्सपर्ट बन रहे थे सिसोदिया की बीवी के लिए, उस सिसोदिया को ना सिर्फ जमानत अर्जी खारिज कर दी, उनकी पुनर्विचार याचिका भी खारिज कर दी। इसका मतलब है कि ईडी ने जो कोर्ट के अंदर कहा था कि मेरी फाइल बोलेगी, जिस तरह से कई क्रिकेटर जो कहते हैं ना कि मेरा बल्ला बोलेगा, उसी तरह से ईडी ने संजय सिंह जब बड़बोलापन दिखा रहा था तो संजय सिंह के सामने में कोर्ट में कहा था ईडी के ऑफिसर ने कि सर हम इनको कुछ नहीं बोलेंगे, मेरी फाइल बोलेगी। और फाइल ऐसी बोली कि संजय सिंह दोबारा बाहर आने की का सपना नहीं देख सकते। वैसे राज्यसभा सदस्य तो बना दिया गया है अपने लठैत को केजरीवाल ने बना दिया है, लेकिन ये वापस दिया। अब जो चीज आप गिना रहे हैं कितनी शर्मनाक बात है, और मैं अक्सर इसीलिए लालू केजरीवाल को लालू प्रसाद यादव का शहरीकरण कहता हूं। केजरीवाल और लालू में कोई अंतर नहीं है, वो चरवाहा विद्यालय खोले थे ढोंग के करके, इसने मोहल्ला क्लिनिक खोला। मैं दो तीन चक्कर तुलना करता हूं, दो फिल्में जिन लोगों ने देखी होगी, नदिया के पार और हम आपकी हैं कौन, दोनों के स्क्रिप्ट एक है, दोनों शादी का कैसेट है, लेकिन वो गांव के दूल्हे की शादी का कैसेट है नदिया के पार, और ये शहर के दूल्हे की आधुनिक दूल्हे की कहानी है। तो बिल्कुल वही है, मूर्ख बनाने का उसी ढंग का यदि ऐसा देखेंगे तो लालू और केजरी बिल्कुल पब्लिक को मूर्ख बनाने का एक 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 ऐसा चीज है कि लालू यादव की बातों से आपको हमेशा लगेगा कि बहुत अच्छी बातें करते हैं, ये एक बदलाव की बातें करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली लालू ने क्या किया? कंगाली भुखमरी में पलने वाले लालू यादव का करोड़ों का साम्राज्य कहां से आया? उनकी तमाम बेटियां, जब तक बिहार में पति पत्नी की सरकार थी सब बेटी इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज के टॉपर है, जब राज्य की सरकार चली गई दिल्ली में डीपीएस में जब बच्चे पढ़ने लगे तो दोनों बेटा कोई चौथी फेल है कोई नौवीं फेल है। तो और बेटियां देखिए सब बेटी टॉपर है, मेडिकल टॉपर, इंजीनियरिंग टॉपर, एमबीए टॉपर, लालू की तमाम बेटियां काबिल, हो सकता है बेटियां उनकी ज्यादा तेज तरार हो, लेकिन यह भी एक इंसिडेंट ही है कि बेटियां उस दौर में जब लालू पति पत्नी की सरकार थी, जब लालू केंद्र में आ गए, बच्चे चूंकि दोनों बेटे छोटे हैं, लास्ट वाली एक बेटी छोटी है सबसे आखिर में, ये तीन बच्चे हैं, तो छोटी बेटी का मुझे नहीं पता कि वहां कहां से उसने पढ़ाई की है, लेकिन ये दोनों बेटे, और ये दुर्भाग्य क्या है कि पांचवी और नौवीं फेल बिहार का भाग्य विधाता है। वो कहता है कि अस्पताल क्या, अस्पताल चाहिए तुमको कि रोटी चाहिए, खुद अस्पताल कुछ खुद भगवान मंदिर का चक्कर लगाता कि तुम्हें मंदिर चाहिए या रोटी चाहिए अस्पताल चाहिए। अरे अयोध्या में मंदिर बन रहा है तो अस्पताल भी बन रहा है, सारी चीजें हो रही है, लाखों लोगों को नौकरी एक मंदिर से बन रहा है, इन चिरकुटों को समझ में नहीं आएगा जो ये नैरेटिव गढ़ रहे हैं। तो बस यही चीज है कि ये सब चीजें जो केजरीवाल का है, ये ढकोसला, ये एक मोहल्ला क्लिनिक की सब फेल हो गया, जैसे कि लालू यादव का चारा अब विश्वविद्यालय चरवाहा विश्वविद्यालय फेल हुआ, ये तमाम चीजें ऐसी चीजें हैं। इस आदमी गुस्सा इस आदमी पर इसीलिए आता है कि 2011 में सर मैं भी कुछ हद तक प्रभावित था इस आदमी से कि आदमी एक बदलाव ला रहा है, ये गुस्सा इसलिए आता है, इसने भरोसे की हत्या की है। मुझे लगता है कि लालू यादव इससे लाख गुना अच्छे हैं, शरद पवार इससे लाख गुना अच्छे हैं, नीतीश, उन लोगों ने भरोसे की हत्या नहीं की है, उन लोगों ने कोई भरोसे की, भाई जिसपे आपको कोई आस ही नहीं हो, उम्मीद ही नहीं हो, इसने भरोसे की हत्या की है, ये भरोसे का हत्यारा है। इसीलिए मुझे लगता है केजरीवाल को कठोरतम सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि अब चीजें साफ दिख गई है कि शरारत, अब देखिए ना कितना धूर्त आदमी है, मुझे लगता है कि पब्लिक को समझाने और समझने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे कहा कि तुम रैपिड रेल में पैसा नहीं दे रहे हो और तुम ऐड इतना कर रहे हो, तुम्हारा ऐड बंद कर दिया जाएगा, ऐड में तुम कितना है वो जांच करेंगे, जांच किया, अब केजरीवाल का ऐड नहीं आता, लेकिन तमाम टेलीविजन चैनल को मुंह बंद करने के लिए दिन भर भगवंत मान ऐड होता है जब उसका प्रचार होता है। तो टेलीविजन चैनल के लाला जो है वो कैसे अरविंद केजरीवाल के लिए पैकेज दिखाएंगे,
कि नहीं नहीं केजरीवाल का ही अपराध है। आप कभी देखते हैं दूसरे लोगों के लिए इतनी स्टोरियां होती है, केजरीवाल के लिए नहीं होता, क्योंकि कहते ना कि आप कान इधर से छुए या इधर से छुए, बतवा बराबर है। केजरीवाल का ऐड बंद हो गया, लेकिन ऐसा दिन रात पंजाब सरकार का ऐड आ रहा है कि टेलीविजन चैनलों का मुंह बंद कर दिया गया है। आप चैनल सर्च कीजिए, भगवंत मान दिखाई दे देगा। केजरीवाल के खिलाफ बड़ी से बड़ी खबर 1.5 मिनट से कम की दिखाई जाती है, इससे ज्यादा नहीं दिखाई जाती किसी भी चैनल पे, और कोई प्राइम टाइम में चर्चा भी नहीं होती है एक आध चैनल को छोड़ करके। मैं आखिर में ये जानना चाहूंगा, अभी 3 राज्यों के जो चुनाव नतीजे आए, 5 राज्यों में चुनाव हुए, लेकिन चूंकि 3 राज्यों में उन्होंने अपने कैंडिडेट खड़े किए थे, 205, उनमें से 202 की जमानत जब्त हो गई है, 3 की बची है। बीजेपी का तो कहना है कि 3 की भी नहीं बची है, यानी 205 के 5 की जो है जमानत जब्त हुई है। इसका मतलब ये है कि जनता ने इनको सबक सिखाना तो शुरू कर दिया है। 2024 में क्या ये भी हालत हो सकती है कि इनकी लंगोटी भी उतार ली जाए और इनको जो है पूरी तरीके से निवस्त्र कर दिया जाए, इनको बताया जाए कि बहुत हो चुका है, आपने हमारे साथ एक तरीके से विश्वासघात किया है, हमारी जो इच्छाएं जागृत की थी उनके साथ आपने धोखा किया है, तो अब आपके पनिश होने का समय आ गया है। बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि यही नैरेटिव बनना है, क्योंकि केजरीवाल अब जिस तरह से हैं कि एक तो अभी तक शराब घोटाला था, दवा घोटाला, एक से एक घोटाले सामने आ रहे हैं कि जिसको मर्जी वही लूट के धंधे में लग गया। आप देखिए ना कि दिल्ली में इसी शीला जी की सरकार ने क्या काम किया, क्या कायाकल्प दिल्ली का किया। हम लोग जब 98 में दिल्ली आए थे, उस दिल्ली में और पिछले 10 साल पहले की दिल्ली में ट्रेमेंडस चेंज है। यदि केजरीवाल की सरकार नहीं होती तो जो बदलाव आप वाराणसी में देख रहे हैं, जो बदलाव आप गोरखपुर में देखते हैं, जो बदलाव आप देश के दूसरे शहरों में देखते हैं, ये तो हमारी नेशनल कैपिटल है। क्या क्या चेंज होता है इसमें, क्या कुछ बदलाव की, कुछ भी तो नहीं बदला पिछले 10 सालों में दिल्ली में, कुछ भी नहीं बदला है। और जबकि शीला जी ने पूरी दिल्ली को फ्लाईओवर का शहर बना दिया, डीटीसी की बसें, इतनी सुंदर सुंदर बसें आई कि आप ब्लू लाइन के बसों का दौर याद कीजिए और आज की दिल्ली। केजरी ने क्या किया है, बस घोटाला, कोई ऐसा हिस्सा छोड़ा है इस आदमी ने लूटने के लिए? दरअसल कहते हैं ना कि ये सिर्फ हवाबाजी करके आए थे, और इसीलिए दिल्ली में लोकसभा सीट तो एक भी नहीं जीतते हैं। जरूरत इस बात की है कि दिल्ली में इस आदमी की सरकार जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसलिए खतरा है, क्योंकि मुझे इसलिए लगता है कि देखिए इस आदमी ने कैसे भ्रम फैलाया कि मेरी गिरफ्तारी हो जाएगी, गिरफ्तारी हो जाएगी। ये 26 जनवरी एक नेशनल कैपिटल है, इसमें ऐसे अलगाववादी तत्वों को रोकना बहुत जरूरी है। वाला दिल्ली दंगा कैसे हुआ, और उसी ढंग का मुझे लगता है कि साजिश हो रही है कि भ्रम फैला दिया जाए केजरीवाल को गिरफ्तार। उसने लिटमस पत्र में टेस्ट किया कि यदि हमारी गिरफ्तारी पे पब्लिक सड़क पे आती है या नहीं। मुझे लगता है केजरी को वह औकात भी पता चल गया जब इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके कहना शुरू किया रात में गिरफ्तार कर लिया जाएगा, आज दोपहर तक गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये टेस्ट था आम आदमी पार्टी का, उसमें इनको औकात पता चल गया और उसमें गृह मंत्रालय को भी पता चल गया कि कितने पानी में। मनीष जी बहुत बहुत धन्यवाद।